विजयपुरा, द सिटी ऑफ विक्ट्री। कर्नाटका का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर जो कि तकरीबन 200 सालों तक पाहमनी सुल्तानों से अलग हुई अदिलशाही रियासत की राजधानी भी रहा। अदिलशाही रियासत ने इस शहर को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स भी दिए, जिनमें से सबसे खास है यहाँ का गोल गुंबद। ये भारत का ही नहीं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डोम स्ट्रक्चर है। इस देखने के लिए आपको एक बार जरूर यहाँ आना चाहिए। तो बने रहे विजयपुरा के आज के ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि कर्नाटका रोड ट्रिप के दूसरे दिन हम लोग थे बिदर में। गुरुद्वारा नानक चीरा से शुरुआत करके बिदर के इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग पहुंचे थे विजयपुरा और अब आगे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हमारा डे 3 है कर्नाटका रोड ट्रिप का और यहाँ हम आपको दिखाएंगे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डोम और साथ में एक दो लोकेशंस और भी हैं, तो चलिए आपको लेके चलते हैं। अभी का थोड़ा स्टमक अपसेट हो गया इसलिए हम लोग होटल से थोड़ा लेट निकल रहे हैं। टाइम अभी हो गया है 10:45 ऑलमोस्ट। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग ग्रेट। सबसे पहले जा रहे हैं इब्राहिम रोज़ा। तो आज हम पहुंच गए हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन इब्राहिम रोज़ा। जैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था, वैसे ही सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने भी अपनी बीवी की याद में इब्राहिम रोज़ा बनवाया। हालांकि ये इमारत ताजमहल बनने से पहले 1627 में बनाई गई। गौरतलब ये भी है कि ताजमहल बनने के पीछे का इंस्पिरेशन इसी इमारत से लिया गया। एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म के लेफ्ट साइड में बनी हुई इमारत इब्राहिम आदिल शाह सेकंड और उनकी वाइफ ताज सुल्ताना का मकबरा है और पोडियम के राइट साइड में नमाज अदा करने के लिए बनाई गई मस्जिद देखी जा सकती है। बहुत ही प्यारा स्मारक है और यहाँ का आर्किटेक्चर और गार्डन्स बहुत ही विजुअली अपीलिंग है, तो चलिए आपको इस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट की एक झलक दिखाते हैं। टर्किश और पर्शियन आर्किटेक्चरल डिजाइन के इंस्पिरेशन से बनाई गई इस इमारत को कंप्लीट होने में तकरीबन 47 साल लगे। इस जगह का आर्किटेक्चर बहुत ही प्यारा है और पूरी की पूरी दीवारों पे इंट्रिकेट कार्विंग्स करी हुई हैं। जैसे कि इब्राहिम रोज़ा के टूम की हाईलाइट है दीवारों पे की गई डिटेल्ड कार्विंग्स और कैलीग्राफी, वैसे ही यहाँ की मस्जिद की हाईलाइट है यहाँ के भव्य मीनार और अंदर बनी हुई बहुत ही ग्रैंड आर्चेस। ये जगह बहुत ही पीसफुल है और गार्डन्स भी बहुत प्यारे बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे आके हिस्ट्री के साथ साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। इब्राहिम रोज़ा में तकरीबन 1 घंटा स्पेंड करने के बाद हम लोग निकले अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। अभी हम पहुंच गए हैं आज की हमारी सेकंड डेस्टिनेशन बारा कमान और इस जगह ना ही कोई एंट्री टिकट है और ना ही कोई पार्किंग है, तो गाड़ी आपको अपनी मेन रोड पे लगानी पड़ेगी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं मॉन्यूमेंट तो इनकम्प्लीट है लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। भले ही ये मॉन्यूमेंट अधूरा हो लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी रोचक है। आदिलशाही रियासत के सेकंड लास्ट सुल्तान अली आदिल शाह सेकंड अपने लिए एक बहुत ही आलीशान मकबरा बनाना चाहते थे जिसका की आकार उनके पिता मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे गोल गुंबद से भी बड़ा हो। कहा जाता है कि ऐसी आर्चिस को एक के ऊपर एक 12 मंजिल तक बनाया जाना था और बनने के बाद ये इमारत इतनी विशाल होती कि इसकी परछाई यहां से 2 किलोमीटर दूर बने गोल गुंबद तक पहुंचती। हालांकि सुल्तान अली आदिल शाह सेकंड का ये सपना एक सपना ही रह गया और 1672 में उनकी मौत के बाद आदिलशाही रियासत का ऐसा डाउनफॉल हुआ कि इस मकबरे की छत तक नहीं बन पाई। बारा कमान देखने के बाद हम लोग लंच के लिए पास ही में लोकेटेड KSTDC के होटल पहुंचे। तो अभी हमने लंच किया है KSTDC के मयूरा आदिलशाही रेस्टोरेंट में और ये होटल भी काफी अच्छा है और रूम्स भी काफी रीजनेबल प्राइस पे हैं। अभी हम जा रहे हैं आज का लास्ट डेस्टिनेशन गोल गुंबद देखने, चलिए आपको भी लेके चलते हैं।
अभी बज गए हैं दोपहर के 2 और हम पहुंच चुके हैं अपने आज के लास्ट और मेजर डेस्टिनेशन गोल गुंबज पर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होंगे, ये एक बहुत ही विशाल इमारत है। तो चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आप में से बहुत लोगों ने जीके की किताबों में ये पढ़ा होगा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डोम स्ट्रक्चर है बीजापुर का गोल गुंबज। लेकिन इस बात से शायद बहुत कम लोग वाकिफ होंगे कि अगर इस इमारत की ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल चैम्बर इमारत भी है। गोल गुंबज के सामने की इमारत को आज की तारीख में एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहाँ की उस समय के बहुत ही प्यारे आर्टिफैक्ट्स को रखा गया है। गोल गुंबज को बनाने का काम 1627 में मोहम्मद अदिल शाह द्वारा शुरू करवाया गया। 30 साल में बनी ये इमारत देखने में तो कहीं से भी इनकम्प्लीट नहीं लगती, लेकिन कहा जाता है कि 1656 में सुल्तान की मौत के साथ ही इस इमारत का काम पूरा होने से पहले ही अचानक रोक दिया गया था। जैसे ही आप गोल गुंबज के पास पहुंचेंगे तो आपको इसके विशाल आकार का अंदाजा होगा। हालांकि हमने भारत के बहुत से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन इस इमारत के विशाल आकार को देख के हम पूरी तरह से अचंभित रह गए। 47.5 मीटर चौड़े एक विशाल क्यूबिकल स्ट्रक्चर के ऊपर 44 मीटर डाया का एक बहुत बड़ा गुंबद बना हुआ है। इस इमारत के बिल्कुल सेंटर में मोहम्मद अदिल शाह और उनके परिवार की समाधि बनी हुई है। इस इमारत को बहुत ही मजबूत डार्क बेसाल्ट के पत्थर और लाइमस्टोन के प्लास्टर से बनाया गया है और इसकी हाइट तकरीबन 60 मीटर बताई जाती है। हैरानी की बात यह है कि इतने विशाल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए अंदर कोई भी पिलर नहीं बना हुआ। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज से 400 साल पहले कितनी उच्च कोटि की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल इस इमारत को बनाने के लिए किया गया होगा। इतना ही नहीं, इस इमारत के अकूस्टिक्स भी लाजवाब हैं। कहा जाता है कि सुल्तान इस इमारत का इस्तेमाल अपनी इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक मीटिंग्स के लिए भी करते थे और इन महत्वपूर्ण मीटिंग्स में की जाने वाली कोई भी बात सुल्तान के कान से अनसुनी ना हो, इसके लिए खास करके इस डोम के बेस पे एक गैलरी बनाई गई थी, जिसे कि आजकल विस्परिंग गैलरी के नाम से जाना जाता है। चलो चलो, इस गैलरी तक पहुंचने के लिए आपको खड़ी चढ़ाई की 7 मंजिल की घुमावदार सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। इस गैलरी की खास बात यह है कि एक हल्की सी आवाज भी गैलरी के दूसरे कोने में तकरीबन 35 मीटर दूर 10 बारीकों के बाद क्लियर सुनाई देती है। ऐसे अचंभित कर देने वाले अकूस्टिक्स को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको इस जगह पे सुबह 6 बजे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि क्राउडेड होने के बाद तो आपको यहाँ पे केवल शोर ही सुनाई देगा। How was the experience of Gol Gumbaz? I'm speechless. मतलब इतनी बड़ी सिंगल इमारत मैंने अभी तक कहीं नहीं देखी है। हमारा कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। सो, इसको महसूस करने के लिए, देखने के लिए आपको एक बार ज़रूर यहाँ आना चाहिए। इस एरिया में हम कल से देख पा रहे हैं कि गन्ना काफ़ी है। ऊपर बोर्ड है, हुबली रह गया है 194 और तकरीबन 4-4.5 घंटे हमें लगेंगे। बहुत ही बड़ा रिवर है और ऐसे लग रहा है कि हम किसी समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं। ठीक है, जितना पर कटोरा कर दे बस। ठीक है, डीजल गाड़ी ने पिया, खुशी तुम्हें चढ़ी हुई है? जाम लग गया है, ये कोई यात्रा चली आ रही लगती है। आज की रोड कंडीशंस काफी अच्छी थी, 200 किलोमीटर था, तकरीबन हमें 4 घंटे लगे और कल आपको लेके चलेंगे गोकर्णा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, लाइक माइंडेड लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस पहले फर्स्ट फ्लोर चढ़ा तो मैं थक गई, फिर मैं थर्ड फ्लोर तक चढ़ी तो मैं फिर से थक गई, और जब मैं 7th फ्लोर तक चढ़ी मैं तीसरी बार थक गई।
मैं चक मैं आ गया क्यों मैं छा गया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।